लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में भी इस दौरान कई मामले सामने आए, जिसके बाद कुरुक्षेत्र उपायुक्त शांतनु शर्मा के नेतृत्व में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को फ्लैग मार्च निकालकर किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया। इस दौरान जहां भी पराली जलाते हुए किसान पाए गए, उन्हें इसको लेकर जहां एक और जानकारी दी गई, वहीं उपायुक्त ने खुद दो किसानों के चालान भी किए। वहीं दोनों किसानों का 5,000 रुपए का चालान किया गया। उपायुक्त ने एक दर्जन से ज्यादा गांव में जाकर किसानों से बातचीत की और उन्हें पराली न जलाने की अपील भी की। साथ ही किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपए फसल अवशेष प्रबंधन योजना का लाभ उठाने का अनुरोध भी किया। सारे किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि सरकार की जो भी स्कीम चल रही है इस मामले में, जो पराली प्रबंधन का है, हमारे एग्रीकल्चर कृषि विभाग इसके पीछे लगा हुआ है कि सारे किसान इन स्कीमों को अपनाएं। और सभी किसान भाइयों से अनुरोध भी है कि वो अपने खेतों में आग लगाने के बजाय इन स्कीमों को अपनाएं। सरकार हर किले का 1,000 रुपया दे रही है ताकि जो भी किसान को फायदा पहुंचने में पहुंचे। तो एक यही है कि अपना खेत में आग न लगाएं, अपने नजदीकी कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क करें अगर उनको अपनी फसल कटवानी है तो, पराली प्रबंधन कराना है तो, और सरकार का 1,000 रुपए का फायदा लें। अपने आप को जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर करें और पराली प्रबंधन करें, आग न लगाएं। उपायुक्त ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष फसल अवशेषों में आग लगाने के कम केस सामने आए हैं। इस बार किसानों ने सहयोग किया है, लेकिन इस सहयोग को और अधिक जरूरत है। किसानों को फसल अवशेषों में आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आग लगाने से किसानों के जहां मित्र कीट मर जाते हैं, वहीं भूमि की उपजाऊ शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से अधिक टीमों का गठन किया जाए, ताकि फसल अवशेषों में आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।